Hello, my dear class 11 students. This is your biology class, and I, your biology teacher, welcome you all in this super amazing online lecture series from Sanskaram Group of Schools. Dear students, as you all know, we are discussing our chapter transport in plants. आज जो टॉपिक हमको करना है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हो पाती है. तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, तो उन्हीं थ्योरीज के बारे में आज हमको डिस्कस करना है. मैंने आपको बताया है कि स्टोमेटा परमानेंटली ओपन नहीं रहते हैं, दे ओपन एंड क्लोज. तो क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है? तो अगर बेटा मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊं कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज क्यों होते हैं, तो उसका एक रीज़न ये होता है कि जो गार्ड सेल्स हैं आपकी, गार्ड सेल्स के अंदर जब ऑस्मोटिक चेंजेस होते हैं, मतलब टर्गर प्रेशर जब गार्ड सेल का बढ़ता और घटता है, ठीक है, यानी कि गार्ड सेल के अंदर वाटर की एंट्री हो रही है या गार्ड सेल से बाहर वाटर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, एकदम से गार्ड सेल स्वेलअप कर रही है या श्रिंक कर रही है, उसी की वजह से क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है. कैसे, सुनिए. यहाँ पे अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ, ये है एक क्लोज्ड स्टोमेटा. ये गार्ड सेल की वॉल है अंदर वाली जो एकदम थिक होती है, ये बाहर वाली वॉल्स दे आर थिन एंड दीज वॉल्स आर थिक. ये कैसी हैं, थिक वॉल्स, क्लोज स्टोमेटा है. किसी वजह से, अब वो वजह क्या है इसके अंदर वाटर की एंट्री की, वो हम देखेंगे. अगर गार्ड सेल के अंदर वाटर की एंट्री होती है, वाटर की एंट्री होते क्या होगा बेटे, बाहर वाली जो थिन वॉल्स हैं, वाटर आएगा तो ये इन पे ऐसे प्रेशर लगेगा तो ये बाहर की तरफ ऐसे खिंच जाएंगी. इनके खिंचने की वजह से, अब ये यहाँ से बाहर की तरफ खिंच रहे, तो बीच में जो स्पेस है, देखो इसको समझो कि दीज आर द गार्ड सेल. अब स्टोमेटा बंद है, वाटर की एंट्री हुई, प्रेशर लगा, गार्ड सेल धीरे धीरे ऐसे मूव होने लगी, मूव होने लगी तो बीच में से स्टोमेटा की जो है ओपनिंग होने लग जाएगी. चीज़ समझ में आ रही है, कैसे होगा ओपन एंड क्लोज? ओपन एंड क्लोज होता है स्टोमेटा ड्यू टू चेंजेस इन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, की सेल के अंदर वाटर की एंट्री हो रही है, एग्जिट हो रहा है, सो जो सेल के अंदर की ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं वो चेंज होती हैं, तब जाके जो है हमारी स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है. तो अब बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि गार्ड सेल्स जो है इनमें ये टर्गर चेंजेस होते किस वजह से हैं. टर्गर प्रेशर पता है क्या है, बताया था ना कि जो प्रेशर प्रोटोप्लाज्म लगाता है सेल वॉल के ऊपर, उसको हम बोल देते हैं टर्गर प्रेशर. जितना ज़्यादा सेल के अंदर पानी होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ, सिंपल. तो अगर हम बात करें बेटा, जो सबसे पहली थ्योरी थी उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स. ये प्रपोज की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था वॉन मॉल. अ साइंटिस्ट नेम्ड एज वॉन मॉल प्रपोज दिस फोटोसिंथेटिक थ्योरी. ये क्या कहती बेटा, जब भी लाइट होगी, ठीक है, लाइट होगी तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी. गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बाकी किसी भी एपिडर्मिस की सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, बट गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, याद रखेंगे. अब वो फोटोसिंथेसिस करता है नहीं करता है, तो अगर मैं अभी आपको बताऊं तो उसमें बहुत पुअर फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब होती है पर बहुत लिटिल, क्योंकि रूबिस्को की वहाँ पे कमी होती है. रूबिस्को एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है बेटा फोटोसिंथेसिस में, तो उसकी कमी होती है गार्ड सेल के अंदर. इसीलिए गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट तो है बट वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कम होती है, ये बात आज हमें पता है. वॉन मॉल ने उस टाइम पे क्या कहा कि जब भी लाइट होगी, वेन एवर देयर इज लाइट, तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा, मतलब शुगर का प्रोडक्शन होगा. शुगर यानी कि सॉल्यूट, सॉल्यूट बढ़ेगा तो मतलब क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल घट जाएगी गार्ड सेल की, मतलब उसको अब वाटर की ज़रूरत है क्योंकि सॉल्यूट बढ़ रहा है, तो बाहर से वाटर जो है उस सेल के अंदर मूव करेगा, यानी कि प्रोसेस क्या होगी, एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस होगी, ठीक है, एंडोस्मोसिस होने की वजह से जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाएंगी, एकदम स्वेलअप होके वो प्रेशर लगाने लग जाएंगी अपनी वॉल पे, ठीक है. अब उस टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन्स. सो दिस इज
जो सबसे पहले थ्योरी दी गई थी फोटोसिंथेटिक थ्योरी, किसने दी थी? वॉन मॉल ने। ये क्या कहता है, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है तो शुगर्स बनते हैं, शुगर बनेंगे तो वो वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, वाटर जाएगा सेल के अंदर, वाटर जाने से क्या होगा, सेल की टर्जिडिटी बढ़ेगी एंड स्टोमेटा विल ओपन। अगली थ्योरी जो दी थी वो थी स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, या फिर बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये क्या कहती है बेटा, यहाँ देखो इस लाइन से ऊपर देखेंगे हम पहले। जब भी लाइट होगी ड्यूरिंग डे, डे में क्या है, प्लांट में दोनों चीज़ें हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस भी रेस्पिरेशन भी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है। CO2 की कंसंट्रेशन कम रहेगी क्योंकि CO2 यूज़ होती जा रही है फोटोसिंथेसिस में, इतना तो समझ रहे हो। CO2 में क्या होता है देखो, ओके, फोटोसिंथेसिस में होता है बेटा जनरल, अगर मैं आपको रिएक्शन बताऊं तो CO2 प्लस H2O, इट विल गिव राइज टू C6H12O6 जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2O में। तो ड्यूरिंग डे ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती रहती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलेगी इसका मतलब क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन कम बनी रहेगी। CO2 की कंसंट्रेशन कम बनी रहने से क्या है, जो pH है गार्ड सेल का वो क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, pH विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, CO2 की कंसंट्रेशन का pH में फ़र्क पड़ता है क्योंकि CO2 क्या करती है बेटा, कार्बोनिक एसिड वगैरह बना लेती है जिसकी वजह से pH लोअर हो जाता है। तो दिन में आपको पता फोटोसिंथेसिस होगी, CO2 यूज़ होगी, डिक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन कम, उसकी वजह से pH जो है वो बढ़ जाएगा। जब भी ज़्यादा pH होगा तो जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लांट्स में आपको पता है फोटोसिंथेसिस जितने भी शुगर्स बनते हैं तो उसको कुछ तो प्लांट अपने लिए यूज़ कर लेता है, बचे हुए को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर देता है। इस बढ़े हुए pH की वजह से स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू शुगर। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, शुगर में। अब शुगर है प्लांट के पास, शुगर मतलब सॉल्यूट, तो पानी की एंट्री हो जाएगी गार्ड सेल के अंदर। पानी की एंट्री होते ही गार्ड सेल जो है वो उनकी वॉल बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे और स्टोमेटा विल ओपन। तो क्या हो गया, स्टोमेटा खुल जाएंगे। वहीं अगर रात की बात करें डार्क कंडीशंस, तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि अब CO2 को यूज़ करने वाला कोई नहीं है। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई मतलब pH क्या होगा, pH विल डिक्रीज। डिक्रीज इन pH, इस डिक्रीज इन pH की वजह से क्या होगा, वापस से शुगर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। शुगर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, स्टार्च में, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर अब सेल के अंदर बढ़ जाएगा क्योंकि सॉल्यूट कम हो गए। स्टार्च क्या है, सॉल्यूबल नहीं है वाटर में, सॉल्यूबल नहीं है इसका मतलब अब क्या है, वो वाटर फ्री बच रहा है जिसमें पहले शुगर डिजॉल्व थी। तो उसकी वजह से पानी अब जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि पानी फ्री वाटर सेल के अंदर बढ़ गया है। पानी बाहर निकलते ही सेल का टर्गर प्रेशर घट जाएगा एंड द स्टोमेटा विल क्लोज। ये थी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, लॉयड करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज की थी। देखो, इससे पहले वाली जो फोटोसिंथेटिक थ्योरी थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि गार्ड सेल में इतनी फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाती है ना, क्योंकि उसके पास रूबिस्को नहीं, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा कि कुछ प्लांट की गार्ड सेल्स में स्टार्च पाया ही नहीं जाता, तो मतलब जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है वो चीज़ ही नहीं है, तो कैसे होगी, इसका मतलब ये थ्योरी। दूसरा कि ये जो pH के चेंजेस हैं ये बहुत लिटल होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं हो सकते कि ये इस रिएक्शन को इनिशिएट कर सकें। वेरी स्लाइट चेंज इन pH होता है ये, इस वजह से डिक्रीज CO2 कंसंट्रेशन, इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन की वजह से। तो इस वजह से इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया बेटा जी, डिस्कार्ड कर दिया गया। इसको भी जो है, इसकी भी ये कुछ कमियाँ निकल आई जिसकी वजह से इसको नहीं माना जाता। अब जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी वो क्या बोलती है, थ्योरी का नाम है बेटा प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, या फिर एक्टिव पोटेशियम आयन और H+ आयन एक्सचेंज थ्योरी, पोटेशियम एंड H+ आयन एक्सचेंज थ्योरी।
ये क्या कहती है, जब भी लाइट होती है, ड्यूरिंग लाइट, तो गार्ड सेल्स के अंदर मैलिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। अब ये मैलिक एसिड की प्रोडक्शन कैसे होती है, ये जब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको फोटोसिंथेसिस करवाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि CO2 से मैलिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इतना याद रखो, जब भी लाइट होगी मैलिक एसिड की प्रोडक्शन होगी। अब ये मैलिक एसिड टूट जाएगा इनटू मैलेट आयन एंड H+ आयन। मैलिक एसिड टूट के मैलेट आयन और H+ आयन यानी कि प्रोटॉन्स बना लेगा। H+ प्रोटॉन्स होते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अब क्या होगा बेटा, ये H+ जो है इनको गार्ड सेल के से बाहर थ्रो कर दिया जाएगा। यहाँ देखेंगे एक बार, देखो इसको मान के चलो गार्ड सेल में, शेप पे मत जाना, बस ये देखो लाइट में क्या है, यहाँ से मैलिक एसिड बन गया। ठीक है, मैलिक एसिड टूट गया मैलेट और H+ में, मैलेट एंड H+। ये H+ सेल के बाहर थ्रो कर दिए जाएंगे बाय यूजिंग ATP, ATP को यूज़ करके। ATP विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP एंड PI, और इनके बदले में अंदर K+ आयन्स को बुला लिया जाएगा, यानी कि पोटेशियम आयन्स को, और इस प्रोसेस में चाहिए एनर्जी। सो होगा क्या बेटा, अब ये पोटेशियम आयन सेल के अंदर आएंगे और बना लेंगे पोटेशियम मैलेट। क्या बना देंगे, पोटेशियम मैलेट, क्योंकि मैलेट आयन पहले ही पड़ी है साइटोप्लाज्म में। ये पोटेशियम मैलेट चला जाएगा वैक्यूल के अंदर। ठीक है, अब देखना आगे क्या है, इनफ्लक्स ऑफ K+ यानी कि K+ आयन कैसे आ रही है सेल के अंदर, इनफ्लक्स इनवर्ड मूवमेंट, एंड ईफ्लक्स ऑफ H+ आयन्स। ठीक है, यानी कि H+ आयन्स कैसे बाहर जा रही है, थ्रू H+ K+ एक्सचेंज पंप्स। पंप बोल रही हूँ मतलब ATP का यूज़ होगा। मैंने आपको मसल वाले चैप्टर में बताया था, पंप्स वर्ड जहाँ पे भी आएगा मतलब एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, तो डिसोसिएशन जैसे ही होगी मैलिक एसिड की, तो H+ आयन को बाहर थ्रो कर दिया जाएगा और K+ आयन्स को सेल के अंदर बुला लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज पंप्स। अब क्या होगा, पोटेशियम मैलेट बन जाएगा, और ये पोटेशियम मैलेट जो है ये वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। वैक्यूल के अंदर पोटेशियम मैलेट जाने से क्या होगा, ठीक है, अब सेल के अंदर क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल सेल की, वो डिक्रीज हो जाएगी। सेल की वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो रही है। वाटर पोटेंशियल कम होने से क्या होगा, सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होगा, एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होते ही टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और स्टोमेटा खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, मेनली ये K+ और H+ की जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो है हमारा गार्ड सेल ओपन एंड क्लोज हो रहा है। K+ की कंसंट्रेशन 30 मिलीमोल से लेके इंक्रीज हो जाती है 500 मिलीमोल्स तक ड्यूरिंग दिस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जो मैलिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से होती है। ठीक है, और ये चीज़ देखी गई है कि हाँ सच में K+ की कंसंट्रेशन अप डाउन हो रही है ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। अब क्लोजिंग कैसे होगी, स्टोमेटा खुल तो गया, क्लोजिंग के लिए क्या होगा बेटा, एक हार्मोन होता है प्लांट में ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है, इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बदल देगा। अब K+ अंदर नहीं आ सकता, H+ बाहर नहीं जा सकता। अब यहाँ साइटोप्लाज्म में जो K+ हैं उनको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदल गई है। अब मेम्ब्रेन किस चीज़ को अंदर आने देना चाहती है, H+ को, किस चीज़ को बाहर थ्रो करने देना चाहती है, K+ को। तो ABA इज़ अ प्लांट हॉर्मोन विच इंड्यूसिस क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी यही है, जिसमें क्या है, पोटेशियम आयन्स की जो कंसनट्रेशन है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है और आपका स्टोमेटा जो है दैट ओपन्स। सो दिस इज़ अबाउट जो 3 थ्योरीज हमने डिस्कस की। फोटोसिंथेटिक थ्योरी जो वॉन मोल ने दी, जिन्होंने क्या कहा, लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा जिसकी वजह से शुगर्स बनेंगे, शुगर बनेंगे तो शुगर इज अ सॉल्यूट, वाटर को अट्रैक्ट करेगी एंड गार्ड सेल में पानी जाएगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाएगी। दूसरी क्या थी बेटा, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, की स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, शुगर का स्टार्च में, उसके क्या ड्रॉबैक थे कि कुछ प्लांट्स में तो स्टार्च हो पाया ही नहीं जाता गार्ड सेल में, तो वो थ्योरी भी डिस्कार्ड होगी। थर्ड थ्योरी थी ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट या एक्टिव K+H+ आयन थ्योरी, जिसने क्या बोला बेटा कि जब K+ आयन जाएंगी गार्ड सेल्स के अंदर
तब जाके जो है गार्ड सेल के क्या होगा, वाटर पोटेंशियल घट जाएगी। वाटर पोटेंशियल घटते ही गार्ड सेल के अंदर पानी का मूवमेंट होगा और गार्ड सेल विल बिकम टर्जिड, जिसकी वजह से देयर विल बी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लोजिंग कब होगी, जब एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होगा। सो आई होप आपको ये तीनों थ्योरीज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्लियर हैं। सो प्लीज़ एक बार तीनों को रिवाइज कर लेना, बुक से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ।